30 नवंबर को छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं, मगर छत्तीसगढ़ तक आपको उन वीआईपी सीटों का हाल बताने जा रहा है जहां से कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रायगढ़ सीट की। इस सीट से बीजेपी के ओपी चौधरी चुनावी मैदान पर है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल में रायगढ़ की सीट पर कौन मजबूत है और कौन पिछड़ गया है, इसका खुलासा हो गया है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक ओपी चौधरी इस सीट से आगे चल रहे हैं। फाइनल नतीजों से पहले एग्जिट पोल में बताया गया है कि कांग्रेस के प्रकाश नायक यहां से पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में शामिल रायगढ़ में ओपी चौधरी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रकाश नायक पर दूसरी बार भरोसा जताया है। बता दें कि ओपी चौधरी आईएएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2018 में उन्हें रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेता नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल से हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी ने ओपी चौधरी की सीट बदली और उन्हें रायगढ़ से मौका दिया। इतना ही नहीं, रायगढ़ से चुनाव प्रचार में गृहमंत्री अमित शाह ने सभा से ही ओपी चौधरी को जीतने पर बड़ा आदमी बनाने का दावा कर दिया था और ओपी चौधरी का पल्ला फिलहाल रायगढ़ में भारी नजर आता है, वो चुनाव जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।